जेऊं देवता माने भिन्न भिन्न प्राकृतिक कार्य मानंकु नियंत्रित करी आम मानंक उपरे कृपा करंती जेपरी कि जल भंडारर दायित्व बा मालिक राजा वरुण बा देवता वरुण को बुझा जाइछि जेपरी कि समुदाय अन्न समुदाय धन माँ महालक्ष्मी कर्तृत्व रही बोली विचार करा जाइछि जेपरी कि अग्नि एक स्वतंत्र देवता जहाँ दाहिका शक्ति अच्छी जी पाचन क्रियारे साहाज्य करती आपण माने अनेक देवता ना शुणिथिबे सेतिरे पवन देवता जणे जी संचारित होई चतुर्दिगरे जीवमानंकु चलचंचल करिचंती प्राण सत्ता युक्त करिचंती सेमानंक भितरे आउ जणे देवता हेउचंती इंद्र। ये इंद्र हेउचंती देवता मानंकर राजा अधीश्वर स्वर्गराज्यर आउ इंद्रंक आयत्तरे अच्छी मेघमाला मान मेघमाला चारि भागरे विभक्त होइचंती विज्ञान कहिले चारि प्रकार मेघर गठन आकार रंग को नहीं नामकरण करा जाइछि सारस स्टाटस क्यूमुलस निम्बस आमर वैदिक भाषा रे मेघ मध्य चारि प्रकार विचार कर इंग्रजी सभ्यता एबे आसिला नामकरण एबे हला किंतु आमर क्यों काल काल धरी हजार हजार वर्ष तलु चारि प्रकार मेघ राजा तंकर इंद्र आउ तंकर नामकरण हेछि कौन कौन ना द्रोण पुष्कर आवर्तक संवर्तक ये चारि मेघ को आदेश दे इंद्र राजा वृष्टि करंती बोली आमर विश्वास अछि सेतिपई आमे इंद्र पूजा मध्य करे माँ माने बापा माने स्मरण रे रख महापुरुष अच्युतानंद सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव मालिकार कहले कौन कहले नोहिला नोहिला पूरी पड़ू थीव हेब के ही न जानीव देता भक्त माने चेती रही थीवे ये कथा जानीव ध्रुव कथा जानीब ध्रुव हो सुजने एक कथा जानीब ध्रुव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल एक कथा जानीब ध्रुव हो सुजने एक कथा जानीब ध्रुव बोले अच्युतानंद महापुरुषंगर बुझ देख सिख मने रख महापुरुष कहिले मु अनेक कथा लेखि जाइछि एतिकी मसीहा एतिकी समय रे एइभली घटना घटियो बोली आमर आज्ञा गणना अनेक प्रकार अछि आमे गजपति महाराज अंक को नहीं गणुचे आमे शक हुण कुषाण जो माने थिले सेमानंक अनुसारे शक राजा मानंकर जो गणना तद अनुजाई आमर शकाब्द चलीछि एबे शताब्दी चलीछि इंग्लिश लोक मानंकर गणना अनुसारे तेणु अनेक गणना भितर आम छंदर मंदर हो जाऊे महापुरुष ठार गार आमपाई खापर पड़ू ना तेणु आम कौचे हाँ मालिका कही कहला कि आउ कि सोई रही घटना घटीगला दस पांचटा पद पदावली नहीं जा रात शिखिले कि कौन ये लेखा था देख एमती होगला महापुरुष से कथा को जाणी बोली कहले कहले नोहिला नोहिला हुरी पड़ू थीव हेब के ही न जानिव समझे कहते हैं कि पड़गला हई नहीं गला हई खाईगला हाँ हेला बेले कही जानवे कहले कहले अनेशत मसीहार महावात्यार जो प्रकोप को आम देखिले सुनामी आसला महाप्रलयंकारी भूमिकंप आसिला सारा विश्व रे जो प्रलय आनिला आमे कौन सठिक भाव विषय कही पारे विज्ञान केते उन्नत होई केते कथा आई महापुरुष केते ठार गारे लेखिचंती हेला बेलकु केही जानिबे नाही घटना घटी जीव एक कथा कहिबार उद्देश्य कौन
ना चेता भक्त माने चेती रही थिबे जेउ माने चेतनशील गुरु पाद ध्याई सत्यरे जहार निष्ठा से माने सदा सर्वदा जाग्रत हाला पाला तांकर नाही हो हाला करिवार नाही हब तो जहाँ को देख आजिकाली माइक्रोफोन टे धरी गाई चलछि महापुरुष ठिया कहले महापुरुष सेठी से कहले एमती हो तो अल्प दिन ठो भगवान कृपा हूँ सृष्टि आज्ञा भगवान कहले मु बारंबार बारंबार सृष्टि रे परिवर्तन करे सृष्टि को विपद आसिले मु निजे जन्म निए ओल्हाए सृष्टि को संरक्षण करे जमीती आम बिल बाछु ना आ कौन बिल को उजाड़ी दौ धान रू बाड़ुंगा को बाछी दौ धान फसल भल हुए तेणु सृष्टि ध्वंस हेनी आज्ञा सृष्टि कौन हम ना संस्थापना हम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे महापुरुष कहले टिके लक्षण को अनैल जड़े कहला हाँ म खाया पीया को भल मिलू कि असुविधा ना टकिया चाउल मिलला न खाइबा लोक आजिकल खाइबा को भल पाइले पिंडार बसिक तास पसा खेली आह कष्ट दरकार ना सेत झाल नाल जुड़ुसुड़ु कठिन परिश्रम कले पेट को गंडे मुठे मिलूला कि ना आजिकल सब सुलभ है आज्ञा सार्ट पैंट आ देखुन आगुरु पिठिकी खंडे लुगा नाला लोकंर आम गपरे शुणीचे कथार शुणीचे जे खंडीए लुगा थिबा लोक दिने स्कूल जाऊला फेरिकी आसिले धोईकी सुकोला तापर दिन जाऊन स्कूल दीज लोक गोटे लुगा को पिंधिकी जाऊले ये पिंधिकी स्कूल जाऊला दिने सी पिंधिकी स्कूल जाऊला दिने एमती भी गप शुणीचे एवं आउ तो से अवस्था ना आ समत घरे दिचक जान चार चक जान खाइबा पीवा नगेवा पिंधा प्राय समत फर्चा हो गला ना ना अभाव आहार सहजरे ना टा पैसार अभाव प्रायतः हाथ में खर्च करने समस्त पैसा हो गला महापुरुष कहते हाँ कली काल जेउ बाटरे जीए जाई केवल रोजगार करने मन दे तेणु रोजगार फिटी किंतु कौन बढ़ी कले अधर्म हेबारू इंद्र न पालिव कुरुषी होइव नाही कुरुषी होइव नाही हो सुजाने कुरुषी होइव नाही बोले अच्युतानंद महापुरुषंकर महापुरुष कौन मिछ कहले कि आपण चाहूनांती कृषि क्षेत्र आड़क चाहत आउ अच्छी आ बिल आउ ना सब प्लटिंग बिक्री होगला जो भी बिल अच्छी से बाड़ुंगा चरी गला बड़ बड़ घास गोचर हो गला आदि भी किए चाषी पुओटे चाष कर कष्ट मुंडे हाथ दे कि बही कौन है कि बापा कहीं आखिरे लुह बृष्टिपात ठीक रे हो जगतर वर्तमान केवल गोटे ऋतु ता ना है ग्रीष्म ऋतु छटा ऋतु भारत भूखंड चलुला आउ कौटी चले ना भारत भूखंड हो भूस्वर्ग ये छटा ऋतु ये चले छटा ऋतु अनुभव होलय पवन अनुभव हो बसंत ऋतु आलय पवन आप देखुं कुआ कोईली पक्षी अच्छा सका उठिले काऊ का शब्द आपड़ शुणुं काऊ तो नहांती कोईली तो नहांती आउ तो वसंत नहीं मलय नहीं केवल खरा 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 बृष्टि कौट हम आम गच्छ काटिले आम जंगल उजाड़ीदे आम वृक्षरोपण कले आम जिते पारे सहरीकरण ना जगत को ध्वंस कले इंद्र राजा बड़ कुपित हो अच्छा कृषिपी जहाँ मुख्य आवश्यक जलधारा आपण कहे किमी थी आपण अनौ नहांती जेकोसी नदी की देखिए आपण प्राचीन काल को जातु कार्तिक मासरे आमर जो डंगा मेली दि जाऊला साधव पुओ नदी आश्रा करी समुद्र गर्भ को जाऊला दूरदेश वणिज बेपार करूला नदी थिला प्रधान माध्यम आज्ञा
ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନଦୀ ନଦୀ ଆଉ ନଦୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ନଦୀ ଫାଟିକିରି ଆଁ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା। ହଁ, ଖାଲି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇ ଯେତେ ପାଇଲେ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଘର ହବ। ନଈରେ ସରୁ ପାଣିର ଧାରଟିଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ନଦ୍ୟାହ ସୁନାବ୍ୟାହ ଭବନ୍ତୁ, ନଦୀମାନେ ନାବ ଚାଳନାର ଯୋଗ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେ ତ ବଢ଼ି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପାଣି ରହୁ, ଗର୍ଭଟା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ରହୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସେ କଥା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବୃଷ୍ଟିଟା ସଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷକ ପୁଅ ଯିଏ ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସିଏ ବିଚରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ଖାଇବାଟା ଚଳିଯାଉଛି। ସରକାର ଦେଶରେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରୁ ମଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର ଦେଇକିରି, ଔଷଧ ଦେଇକିରି, ହରମୋନ ଦେଇକିରି ଏଡ଼ିକି କଖାରୁକୁ ଏଡ଼େ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ଧାନଟାକୁ ଏତେ ଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ଥୋଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଥାଳିରେ ତ ପରସା ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କୃଷି ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। କିଏ ଆଉ ଗୋବର ଖତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦେଇକିରି ଚାଷ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରାସାୟନିକ ସାର ରାସାୟନିକ ଔଷଧ। ତେଣୁ କୃଷି ହୋଇବ ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବନି। ଆଗରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛେ ହବ ହବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ, ହେଲା ବେଳକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମେ ଲାଗୁଛି କୃଷି କ୍ଷତି ହେଇନି, କୃଷି କିଛି ସେମିତି ହେଇନି, ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଖୁ ଚାଷ ହେଉଛି, କପା ଚାଷ ହେଉଛି, ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ଗହମ ଚାଷ ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଉଛି, ସେଉ ତ ହେଉଛି, ହେଉଛି ତ ନା। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବ କ୍ଷତି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ କିଛି ନଥିବ, ସବୁ ଖସି ଯାଇଥିବ। ମହାପୁରୁଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଅଧର୍ମ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ନ ପାଳିବ। ଅଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଳିଯୁଗରେ ବଢ଼ୁଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀରେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ହେବା, କୃଷି ହାନି ଘଟିବା, ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଭଏଡ୍ କରିକିରି ପଳାଉଛେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ପଳାଉଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଚଳିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିଦେଉଛେ। ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ନେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କଲେ ହୋଇବ ହୋଇବ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ନଥିବ। ସେତେବେଳୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସବୁ ଖସି ଯାଇଥିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତେଣୁ କରି ସିନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେବେ ତହି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେବେ କହି ଅସୁଜନେ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେବେ କହି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଦହନ ହେଇଯିବ, ସତ ଯେମିତିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରାଣୀଟାଏ ଯେମିତି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନ ସେମିତି ଛଟପଟ ଛଟପଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ମିଳିବନି, ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମ ଚାଉଳ ତ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ମିଳୁଛି କିଅ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବଜାରକୁ ଆଜି ଗଲେ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ, 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କିଲେ ଚାଉଳ କହିଲାଣି ମିଳୁଛି। ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 180 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହଁ, ଏ ଭାତ ଡାଲି ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ନା? ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଲେ, ଭାରତବର୍ଷର ଆଜ୍ଞା 90 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଲିଆ, 1% ଲୋକ ବି ଧନୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। 100 ଜଣରେ ଜଣେ ଲୋକ ବି ଧନୀ ଲୋକରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଯାହାର ରୋଜଗାର, ଚାଉଳ କିଲେ ଡାଲି କିଲେ କିଣିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେଲ ଗୋଟେ ଲିଟରର ଦାମ ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ଖାଇବ କ'ଣ, ଚଳିବ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ପରିବାଟିଏ, ଆଳୁ ପରିବା, ବାଇଗଣ ପରିବା, କନ୍ଦମୂଳ ପରିବା, ସାରୁ ପରିବା, 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କିଲୋକୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ନା, କୃଷି ହେଉନି,
महापुरुष कहीदेले कृषि होइबो नाही, वर्धित जनसंख्या को जेतिकि आवश्यक खाद्य सेतिकि हो नै। यदि होनता बैगण किलोटा 5 टंका रे मिलनता, हाथ पहांतरे बैगण गंडे मिलनता, जहाँ पकेट रे पैसा अच्छी से दुटा बैगण किण जार नाई आज्ञा फुसरी जीव घर को फेरब। तेणु महापुरुष कहले कौन ना तेणु करी सीना दुर्भिक्ष पड़ो। दुर्भिक्ष शब्दर अर्थ कौन? भिक्षार अभाव। थाल धरी द्वारे द्वारे बुलब, माँ गंडे भिक्षा दि, माँ चाउल मुठे दि, कहीं देवे ना ता घर तो नाई आ देव कौन, भिक्षार भी अभाव पड़ज। दबा को मन थब लोकर पाखे न थब दब कौन, जन को मागव कौ आलटाई बैगनटाए दौना। अरे छटा सतटा बैगण रे किले किलक जदि 80 टाँह गोटाए बैगण 10 टाँह 12 टाँह पड़ा से तुम बैगनटाए दब, ये बैगनटाए कहीं दब कहीं कहार तो बारिघर ना। आगुरी सब बारिघर था बैगनटाए कलराटाए भेन्टीटाए छचिंद्राटाए जे जमी पार्थले लगे निज बाईरे परिवा चाष निहाति करुले कि ना कदमी पुआटे अमृतभंडाटे तो थला। आजिकल सब किणी खा, समस्ते हाथ टेकी किणिकी तो खाइबा चल काम करवा। अरे समस्ते किणी खाइब आसव कौटू, मटी सांगे मटी कृषि कले तो कृषि हम केमी। बर्षा तो ठीक नहीं, पाणीपाग तो ठीक नहीं, जलवायु तो ठीक नहीं, जो लोकटा करने को सी बिचरा जी पैसा खर्च करतक बिका किणा कलापर पाऊ ना, तेणु कृषि मन तुटि जा। तेणु महापुरुष कहले तेणु तेणु करी सीना दुर्भिक्ष पड़ो, प्राणी माने हेबे दही कहे कौ दिन ए प्रक्रिया हम दहन प्रक्रिया कष्ट प्रक्रिया। महापुरुष कहले से कथा कहीहबन, स्पष्ट भाव कह इंगित इंगित बुझे दौला बेलूब रड़ी कर थब हो तो कहीं जनापड़ी तो कहीं देखा जा तो हाँ खाया को मिल जाऊ तो जड़े शासक खाऊ बहुत मस मंस खाद्य बढ़ाई प्रजाकूल मैंने चारिपट घेरीगले पचारे मंत्री कौन हो आज्ञा प्रजा मैंने स्ट्राइक कर नर उपर आक्रमण करेंगे बोली आसे कहीं दुर्भिक्ष पड़ी आज्ञा तक पाखे खाया नहीं। हसिले रजा कह अरे खाया नहीं, अरे आम भाया एम बिरीयी मऊस खाइक पा न थे, पलऊ कानिका खेचड़ी खाइक पा न थे, ये साधारण भात मुठाई खाया पा ना। अर्थात सी तार मानसिक स्तर को एमती जगार रखी जोटी दुर्भिक्ष कौन कष्ट कौन अन्नर कष्ट मुठाए पेट को न मिलवार कष्ट से मगजरे ओल्लौनी। एवं बर्तमान समस्ते आम से शासक रजापरी समस्ते भावच आजिकल तो पैसा फोपाड़े बिरीयी पैसा पकेले अमुक पैसा पकेले समुक आ मिलूनी कौन। अरे महामूर्ख माने कले तो मिल चाष हेले तो चाउल गंडे मिल ना जो बजार रे आजिकल प्लास्टिक चाउल प्लास्टिक अंडा मिलला प्लास्टिक ब्यान है महाकाश में प्लास्टिक मल पृथ्वी उपर प्लास्टिक मल समुद्र गर्भर प्लास्टिक मल चारिड़े प्लास्टिक 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 आम भी दिने शेष प्लास्टिक कंडे होगा। इंद्र रजा वृष्टि सहित जोड़ा होता वैदिक सभ्यतार वैदिक संस्कार देवता से कार्य सठिक भाव करूना कारण आम अधर्म पथरे रही देवता मान अपमान करुचे। आम पाखे देवत्व गुरुत्व यार किसी अर्थ ना देखुना जगन्नाथ महाप्रभु लिंगराज महाप्रभु बड़ बड़ ठाकुर मान सेवा पूजापी खंजा जा जमी सबू कृषि भित्तिक जमी सबू हेले महाप्रभु पाखक चाउल गंडे आसो परिवा गंडे आसो आउ कौन से अच्छी माड़ी बसी निज स्वार्थ पाई जी जमती पाइला व्यवहार कले अधर्म। महापुरुष कहते खाली नुह टिके नुह यहाँ बढ़ जी होती आड़ पक चेस्टा कर बुझे चेस्टा कर आहरी बढ़ कमी कौटी पुणी लिखिले महाप्रभु महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार सुंदर वाणी धर्म अधर्म जे विचार अविचार हे बजात अविचार हे जात हो सुजने अविचार हे ब
बजात पर द्रव्य को जे बळे नेउथिबे पर द्रव्य को जे बळे नेउथिबे सर्वे हेवे ज्ञान हत जय श्री अच्युत जय श्री अच्युत जय जय श्री अच्युत बोलि अच्युतानंद महापुरुष शंकर गोटे धर्म कार्य करिव आज्ञा कली काल रे महापुरुष हाथ काटी मालिका रे लिखि देले कौन कले परद्रव्य उपरे समस्तंगर टार्गेट रहिव जमीटा कहा ना रे अछि कळ बळ छळ कौशल करि मो पाखु नेया ठाकुर ना रे जाउरी बढ़िया काहीकि ना धर्म अधर्म जे विचार नथिव हे 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 ठाकुर जमी रे नहीं गल अधर्म हम हाँ बा किए देखुची ठाकुर कौन आसी बाड़ौंट हाँ मरीगले मरीजा देखिया हाँ महापुरुष अच्युतानंद कहिले कली कालर मनीष मानकर विचारधाराटा अविचार रे परिणत हो जीव पर द्रव्य को जे बळे नेउथिबे सबु ज्ञान हत हो जीवे ज्ञान जोगु विचार जोगु मनीष शुद्ध हुए ज्ञान जोगु विचार जोगु मनीष सत्य पथरे चले ज्ञान जोगु विचार जोगु मनीषर विचार मध्य उच्च कोटीर हुए किंतु ज्ञान आउ विचार जेतु हत हो जीव नष्ट हो जीव समस्ते कहिबे चल गातरे पसिबा आ कोन समस्ते गोटाए दीर्घर जीवे तो ताला अन्याय दिग आन्याय वित्त बढ़े बहुत से तो बढ़ फुलिक देखा जीव ओ लोक कह तार हो तार कौन किए नहीं जाऊ मुँह भी सही बाटे जीवी देखुन से केमती सुना चेन पक कार चढ़ बुलू देख तार केते अच्छी मुते कष्ट पाऊँ हा न्याय चली सत्य चली मालिका को भजी अच्युतानंद महापुरुष कथा शुणी मोर कौन लाभ हो बाट छाड़ी अनेक आज्ञा सत्पथ सत्धाम सहजरे चली पारती ना पांडव कूल कौरव कूल होती यार प्रमाण पांडव कूल उपर अनेक विपत्ति पड़ी घरे पूरे निया नगे सत्यपथ को से छाड़ी ना जुआ खेल हरकर राज्य रु तड़ी सत्यपथ से छाड़ी ना तेणु शेषे भगवान तर सहाय आमर कौन से जाए धैर्य अच्छी आम कौरव कूल परी अन्यर द्रव्य को माड़ बस जोर करी बाहुबल गदा बल निजर बोल चेष्टा करे माने बापा माने समय कहले आज बाणी ये विश्राम ने भी ठीक आम कौन करवा दरकार दीवार गुरु को स्मरण करवा दरकार पद्मवन राजहंस जय जय हे पद्मवन राजहंस जय जय हे ओ पद्मवन राजहंस जय जय हे पद्मवन राजहंस जय जय हे ओ जय जय श्री अच्युत जय जय हे जय जय श्री अच्युत जय जय हे पद्मवन राजहंस जय जय हे पद्मवन राजहंस जय जय हे बोलि अच्युतानंद महापुरुष शंकर जय।